गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग पहले लेक्चर में बेसिक जान चुके हैं जो हमको प्रोग्रामिंग में अपने यूज करना है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 टाइप के। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि कितने टाइप्स के इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर में, कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग तीन टाइप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, 1 byte इंस्ट्रक्शन, 2 byte इंस्ट्रक्शन एंड 3 byte इंस्ट्रक्शन। 1 byte इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया कि हमें कोई, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा मूव बी ए। मूव बी ए का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ हमें कोई भी डेटा नहीं देना, एक ही हेक्स कोड हम यूज करेंगे। ये 1 byte इंस्ट्रक्शन होता है। और 2 byte में क्या है कि जैसे हमने ये एम बी आई लिखा, तो एम बी आई क्या करता है, तो डेटा को लोड करता है। तो डेटा को लोड करेगा तो एक इसका हेक्स कोड होगा और एक हेक्स कोड जो हम डेटा लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 हमें देना है एक्यूमुलेटर में, तो 5 लिखेंगे। ऐसे ही सीएम में हो गया। और 3 byte में हम क्या करते हैं, 3 byte में हमको डेटा लोड करना होता है। उसमें पहला प्रोग्राम जो हम लोग करेंगे चेक या फिर हमको मॉडिफाई करना है जो रजिस्टर में कंटेंट है। क्या जैसे कोई भी रजिस्टर, हमने कल पढ़ा था कि ए बी सी डी ई एच एल ये सब हमारा क्या है, रजिस्टर है। तो इसमें जितने भी कंटेंट है इसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस रजिस्टर में कोई ना कोई डेटा हम लोग लोड करेंगे, फिर उस डेटा को हम किसी अदर रजिस्टर में मूव कराएंगे और फिर उसको एग्जामिन करेंगे। तो उसका प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, उस रजिस्टर में एक डेटा मैंने लोड किया, इस बार वी रजिस्टर नहीं सी रजिस्टर लेते हैं। सी में हमने क्या किया, डेटा मान लीजिए 02 लिखा, मतलब 2 हमने डेटा उसमें डाल दिया। और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन हम लोग लिखते हैं, मेमोरी लोकेशन हमेशा 16 bit होता है। तो माना कि 2000 इसका मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन है और यहाँ पे ये डेटा है मेरा। और यहाँ पे हम ये जो ऑपरेशनल कोड लिख रहे हैं इसको लिखेंगे और इसका हेक्स कोड अभी बाद में हम लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट इसको मैं साइड ही कर देता हूँ, पहले हेक्स कोड कर देता हूँ फिर डेटा कर देता हूँ। यहाँ पे हेक्स कोड और यहाँ पे फिर मेरा डेटा। तो हमने क्या किया, रजिस्टर सी में कोई भी डेटा लोड किया। क्या लोड किया, मान लीजिए मैंने 02 दे दिया इनपुट में, कि सी में हमारा अब जो आए वो 2 आए। फिर अब हमें इस रजिस्टर को वेरीफाई करना है, क्या जो मैंने 2 इनपुट दिया इसमें वो इस रजिस्टर में सेव हुआ या नहीं। तो हम करेंगे क्या कि जो हमारा ये डेटा आया इसको हम किसी अदर रजिस्टर में मूव करा लेंगे। तो इसके लिए कमांड क्या होता है, मूव का होता है, क्या होता है, मूव। और यहाँ पर किस रजिस्टर का डेटा मूव करा रहे हैं, सी का मूव करा रहे हैं। किसमें मूव कराएंगे उसको इधर लिखते हैं कॉमा के पहले। तो मान लिया कि हमने उसका डेटा बी में मूव करा लिया। इसके बाद हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में पढ़ा है हमने मशीन कंट्रोल ऑपरेशन, लास्ट में क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं। तो स्टॉप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हॉल्ट। हॉल्ट का कोड होता है 76 और इसका कोड अपने पास जो निमोनिक्स की चार्ट है उसमें हेक्स कोड दिया गया है। तो एम बी आई सी का जो कोड होता है, अपने पास चार्ट है मैं उसमें से देखता हूँ, एम बी आई सी का जो है उसमें 0E है। तो एम बी आई सी का कोड 0E, 2 byte इंस्ट्रक्शन और साथ में मूव बी सी, तो मूव बी सी का 41, ये हेक्स कोड। प्रोग्रामिंग में क्या करना है, अपने को सिर्फ हेक्स कोड यूज करना है वहां पे, जब आप सिमुलेटर पे रन कराएंगे हेक्स कोड हम जब यूज करेंगे वहां पे। तो ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर में रन हो पाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारा रजिस्टर की वैल्यू रीसेट नहीं होती है। लेकिन जब हम डिवाइस पे जाएंगे तो डिवाइस पे क्या होगा, जैसे ही आपने इसको मूव करके हॉल्ट किया प्रोग्राम, फिर आप क्या करोगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए तुरंत आप प्रेस करोगे वहां पे डेल गो रीसेट करोगे, तुरंत क्या हो जाएगा, जितना भी वहां पे आपका डेटा था वो अब रीसेट हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक और ऑपरेशन लगाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं STA। क्या बोलते हैं, STA, यानी कि स्टोर कंटेंट। किसका कंटेंट, इसको हम लोग अगर एक्यूमुलेटर में भेज ले जाए तो इसके पहले एक और कोड हम लगा देंगे, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होने हैं वो सारे के सारे एक्यूमुलेटर में होंगे। तो जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्या कंटेंट भेजा है, सी का कंटेंट बी में भेजा है, ऐसे ही हम बी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में भेज लें। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ से एक कोड हम लोग यूज कर देंगे, मूव एक्यूमुलेटर में कंटेंट अपने को यूज करना है, तो मूव और यहाँ पे एक्यूमुलेटर में मैंने डेटा भेजा, किसका डेटा भेजा, जो बी रजिस्टर का है। और उसके बाद अब हम क्या यूज कर लेंगे,
एसटीए, एसटीए का मतलब क्या हो गया कि स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट। कहाँ पे स्टोर करेगा वो, किसी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेगा। तो मेमोरी लोकेशन कितने बिट का होता है, 16 बिट। तो यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने इसको स्टोर करा दिया 2500H पे, किस पे स्टोर करा, 25। अब ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे डिवाइस पे, माइक्रो प्रोसेसर 8085 के डिवाइस पे, तब ये शो करेगा रिजल्ट आपका कि उस रजिस्टर में, जो सी रजिस्टर में मेरा वैल्यू था वो कितना था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम सबसे सिंपल हम लोग करेंगे कि 28 बिट नंबर्स का हम लोग रजिस्टर्स में सम निकाल लेंगे, उसमें इनपुट देंगे रो रजिस्टर्स में। तो सबसे पहले एल्गोरिथम हम करते क्या है, मान लीजिए सम करना है, जैसे 3 और 2 का मुझे सम करना है, 3 और 2 का सम 5 आता है, अपने को पहले से पता है, लेकिन इसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे डिवाइस में। तो हम करते क्या है, जो ये सबसे पहला है, इसको किसी एक रजिस्टर में इनपुट दे दिया, इसको किसी एक रजिस्टर में इनपुट दे दिया। ज्यादा कोशिश हम ये करते हैं कि जो इनपुट हम दे रहे हैं वो उसमें से कोई ना कोई एक इनपुट हमारा एक्यूमुलेटर में हो, क्योंकि जो हमारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्यूमुलेटर से ही परफॉर्म होते हैं, एक्यूमुलेटर में ही परफॉर्म होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश क्या करेंगे कि एक डेटा हम कोई अपना एक्यूमुलेटर में लोड करें, फिर वहां से हम अब एडिशन करेंगे। सिंपल मैंने क्या किया, पहले एक इनपुट लिया, दूसरा इनपुट लिया, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करना है, तो उसके लिए ऐड का कमांड लगाएंगे, फिर ऐड होने के बाद, ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद, फिर से वो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। अब उस एक्यूमुलेटर के डेटा को देखने के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, सिंपली हम एग्जामिन रजिस्टर करेंगे, एग्जामिन रजिस्टर करके एक्यूमुलेटर में क्या डेटा आया सेव हो के वो देख लेंगे। लेकिन अगर आप डिवाइस यूज कर रहे हो तो वहां पे सेम प्रोसेस हम करेंगे कि जो इस एक्यूमुलेटर कंटेंट है उसको क्या करेंगे, किसी एक मेमोरी लोकेशन पे हम स्टोर कर लेंगे। तो किसी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने के लिए हम एसटीए का यूज करेंगे वहां पे। तो अब प्रोग्राम करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक डेटा इनपुट देंगे, तो MBI मैंने लिखा, डेटा लोड करने के लिए MBI का यूज करेंगे। और वहां पे एक्यूमुलेटर में मैंने एक कंटेंट दे दिया, माना पहला इनपुट मैंने 3 दे दिया, 3H, ठीक। उसके बाद हम एक और रजिस्टर लेंगे जिसमें दूसरा इनपुट देंगे, वो रजिस्टर हमने क्या माना, माना कि B है, हमारा B है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरा इनपुट उसमें मैंने दे दिया। ये डेटा हम दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इसका जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इसका हेक्स कोड आपको यूज करना है, इसका हेक्स कोड यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करना है अपने को, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, ऐड, और क्या लिखेंगे, इस रजिस्टर की वैल्यू ऐड करनी है, तो ऐड बी। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम जो बी का कंटेंट है, जो बी का कंटेंट है उसको कहाँ ऐड करेगा, उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड कर देगा, और फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। माना कि रिजल्ट कुछ भी आ गया, जो रिजल्ट हमारा आया, अगर हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो डायरेक्ट हॉल्ट कर देंगे यहीं पे, और मान लिया कि हम डिवाइस में कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन हमको ज्यादातर डिवाइस में परफॉर्म करना होता है। तो अब जो ये ऐड होकर के ये कंटेंट मेरा गया है, जो ऐड होकर के कंटेंट गया है बी रजिस्टर का और ए रजिस्टर का इनपुट का, वो एक्यूमुलेटर में ही सेव हुआ है, सारे ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में होते हैं। तो हम करेंगे क्या, इस एक्यूमुलेटर कंटेंट को किसी एक मेमोरी लोकेशन पे, किसी एक मेमोरी लोकेशन का मतलब मान लिया मैंने 3000 पे भेज दिया, उस मेमोरी लोकेशन पे हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर कंटेंट को भेजेंगे और फिर हॉल्ट कर देंगे प्रोग्राम को। एसटीए का कोड हेक्स कोड 32 होता है, इसका हेक्स कोड यूज करेंगे, और इसको जब हम डिवाइस में एंटर करेंगे तो डिवाइस में एंटर करने के लिए सबसे पहले लो ऑर्डर, उसके बाद हाई ऑर्डर हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार और बताते हैं। जैसे हम जब यहाँ पे एडिशन किया हमने, तो ये एक्यूमुलेटर में गया, एक्यूमुलेटर में जब ये गया तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्यूमुलेटर को कंटेंट को हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपली हमको रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करें, अपने पास मेमोरी लोकेशन हमने ले लिया 3000, और उस मेमोरी लोकेशन पे हम अब जाएंगे, जब हम डिवाइस में यूज करेंगे तो वहां पे एक की होती है एग्जामिन मेमोरी। एग्जामिन मेमोरी पे हम जाएंगे, वहां पे मेमोरी लोकेशन इंटर करेंगे 16 बिट, तो वहां पे 3000 इंटर करेंगे, और फिर हमारा आउटपुट वहां पे 5 दिख जाएगा। मतलब हमने सिंपली किया क्या, इसमें इनपुट दिया हमने 3 और 2 का, उसके बाद उसमें हमने बी को ऐड किया, मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि जो हमारा बी का कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाए, फिर हम उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट किसी मेमोरी लोकेशन पे आए, क्योंकि हमारा डिवाइस रीसेट करने के बाद पूरा का पूरा जो रजिस्टर में इनपुट है हमारा, मेमोरी में जो हमारा कंटेंट है वो पूरा का पूरा इरेज कर देता है। इसलिए हमने उसको क्या किया, एक मेमोरी लोकेशन पे भेजा, और उसके बाद फिर हॉल्ट कर दिया प्रोग्राम को, मतलब स्टॉप कर दिया मैंने एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को। फिर एडिशन ऑफ 28 बिट नंबर्स फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, ये क्या था,
एडिशन ऑफ 2-bit नंबर्स हम कर तो रहे थे, लेकिन कहाँ से डेटा हम ले रहे थे? डेटा हम रजिस्टर से ले रहे थे। ए रजिस्टर से हमने मान लिया 3 लिया था, बी रजिस्टर से मैंने क्या लिया था 2 लिया था, तो ये डेटा हम कहाँ से ला रहे थे? रजिस्टर से ला रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे हम, ये डेटा कहाँ से लाएंगे? मेमोरी लोकेशन से लाएंगे। जब हमें डेटा को कॉल करना होता है मेमोरी लोकेशन से, तो हम उसके लिए यूज करते हैं LXI का, LXI, और H का मतलब HL पेयर। अब हम क्या करेंगे, पेयर्स में रजिस्टर्स की वैल्यू लोड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इनपुट देना होता है। इनपुट देना होता है, मान लिया तो हमने इनपुट जो दिया वो किसी लोकेशन पे दे दिया 2100 पे। पहला डेटा हमें मान लीजिए 3 ही ऐड कराना था, तो 3 ही ले लिया मैंने। दूसरा डेटा 210102 ले लिया मैंने। ये हम पहले क्या करेंगे, एग्जामिन मेमोरी प्रेस करेंगे, जो हमारा डिवाइस है, एग्जामिन मेमोरी में जाएंगे, ये एड्रेस डालेंगे वहां पे, इस एड्रेस पे ये इनपुट लिखेंगे हम, और फिर नेक्स्ट एड्रेस डालेंगे और नेक्स्ट एड्रेस पे ये वाला इनपुट देंगे हम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करके फिर से रीसेट करेंगे, और रीसेट करने के बाद एक अदर एड्रेस हम लेंगे जो इससे डिफरेंट हो, क्योंकि ये हमारा क्या आप काम करेगा, इनपुट एज ए इनपुट मेमोरी लोकेशन काम करेगा। तो हमको क्या करना है, जो यहाँ पे अब हम प्रोग्राम में अपने एड्रेस यूज करेंगे वो हम डिफरेंट एड्रेस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे माना कि हम लोगों ने 2500 से स्टार्ट कर दिया। ये समझ में आया होगा कि हम ये वाला लोकेशन क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि अगर हम ये सेम लोकेशन यूज करेंगे तो हमारा इनपुट नहीं आ पाएगा। हमने इनपुट इस लोकेशन पे दिया है, तो अपने को इनपुट कॉल करना है, तो हम यहां से अब दूसरा मेमोरी लोकेशन इंटर करेंगे। फिर हमने LXI एच किया, मतलब जो HL पेयर में डेटा है हमारा वो आए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोकेशन यूज करेंगे 2100। ये क्या हो गया, हमारा जो डेटा था वहां पे 2100 पे, 2100 एच लिखेंगे, जनरली हम हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं, तो 2100 पे जो हमारा डेटा है वो अब हमने यहाँ पे लोड किया। लेकिन कहाँ पे ला रहे हैं उसको हम, तो उसको हम एक्यूमुलेटर में लाएंगे। तो क्या एक्यूमुलेटर में मूव करने के लिए क्या करते हैं, मूव का कमांड लगाते हैं और एक्यूमुलेटर का ए यूज करते हैं और ये एम हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, जो मेमोरी का डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में ले आया। फिर हम क्या करेंगे, अब पहला वाला जो मेरा इनपुट है वो तो आ गया, अब अपने को दूसरा इनपुट भी चाहिए। तो दूसरा इनपुट लाने के लिए हम क्या करते हैं, INX का यूज करते हैं। INX का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट करेगा वो उस मेमोरी लोकेशन में जिस पे ये LXI चल रहा है, ठीक। INX H मतलब इस HL पेयर के लिए ये इंक्रीमेंट करेगा। तो अब मेरा ये वाला डेटा हो गया, अब इस डेटा को भी हमें कहीं ना कहीं लोड करना है, तो हम क्या करें, इस डेटा को मान लिया कि हमने मूव कर लिया किसी रजिस्टर B में, इस मेमोरी के डेटा को मैंने क्या किया, रजिस्टर B में मूव कर लिया। अब सिंपली वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे जब हम रजिस्टर्स में कर रहे थे तो एक डेटा एक्यूमुलेटर में ले रहे थे, दूसरा डेटा हम अपने बी रजिस्टर में ले रहे थे, फिर इसको ऐड कर दे रहे थे। ऐड करने के बाद कहाँ जा रहा था रिजल्ट, हमारा सेम इसी एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जा रहा था, और फिर उस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम क्या कर रहे थे, किसी मेमोरी लोकेशन पे पुश करते थे, भेजते थे, और फिर वहां से हम देखते थे। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो पहला इनपुट है मेरा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, मेमोरी लोकेशन से इनपुट लाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पहला इनपुट है मेरा, इसको हमने इस मेमोरी लोकेशन से कॉल किया और पहला डेटा एक्यूमुलेटर में भेजा, फिर इंक्रीमेंट किया क्योंकि हमको दूसरा डेटा चाहिए, और फिर दूसरा डेटा बी रजिस्टर में भेजा। अब क्या करेगा, पहला डेटा मेरा जो 3 है वो ए में आ चुका, दूसरा डेटा बी में आ चुका, अब हम सिंपली एड बी लगा देंगे। यानी कि अब क्या हो गया, जो बी है मेरा, बी का कंटेंट वो ए के कंटेंट में ऐड हो गया, यानी एक्यूमुलेटर में जाके ऐड हो गया, और रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ। लेकिन हम जब डिवाइस परफॉर्म करेंगे तो अपने को कहाँ, किसी मेमोरी लोकेशन पे भेजना पड़ता है जो रिजल्ट है, सेम हम कमांड वहाँ पे स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट लगा देंगे। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम 2100 यूज कर चुके हैं, 2500 यूज कर चुके हैं, तो जो हम एक्यूमुलेटर कंटेंट को भेजेंगे किसी एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे भेजेंगे, माना कि हम इसको 3000 पे भेज रहे हैं, फिर इसको हम हॉल्ट कर देंगे। इस प्रोग्राम में एक अच्छी बात है कि हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। पेन थोड़ा मैं पतला करता हूं, फिर सिंपल
हमको यहाँ तक जो हमने ये कंटेंट लोड किया है एक्यूमुलेटर में यहाँ तक हमको आना है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा डेटा अब हमको चाहिए, तो दूसरा डेटा लोड करने के लिए इंक्रीमेंट तो लगाया, लेकिन इस डेटा को हम किसी एक रजिस्टर में मूव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ तक आएंगे इंक्रीमेंट तक, सेम प्रोसेस, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो मूव एम कॉमा बी कर रहे हैं इसके जगह हम डायरेक्ट एड यम लगा देंगे। एड यम का मतलब क्या हो गया कि जो ये सेकंड मेमोरी वाला कंटेंट आया, सेकंड मेमोरी कंटेंट का मतलब क्या आया, टू आया, वो क्या करे डायरेक्ट टू एक्यूमुलेटर ऐड कर दे। हम लोग यही तो जानते हैं कोई भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते तो वो हमारा एक्यूमुलेटर में होता है, एक्यूमुलेटर के साथ होता है। तो हमने एक्यूमुलेटर में कंटेंट डाल दिया पहला, अब हम दूसरा डायरेक्ट एड एम लगा दिया। एड एम का मतलब क्या करेगा, वो मेमोरी को ऐड करेगा। मेमोरी को ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि वो जो मेमोरी में कंटेंट है उसको ऐड करेगा। अब हमारा एक्यूमुलेटर में इस डेटा जाके ऐड हो गया, फिर सेम प्रोसेस हम लगा सकते हैं, यहाँ से स्टोर करेंगे उस एक्यूमुलेटर कंटेंट को किसी एक मेमोरी लोकेशन पे और देख लेंगे। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको एक तरीके से और अभी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम करेंगे क्या कि जो हम ये ऐड कर रहे हैं रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर में ला के डेटा, फिर हम यहाँ पे एक और इंक्रीमेंट लगाएंगे, एक और इंक्रीमेंट लगाएंगे, और इंक्रीमेंट लगाने के बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो डेटा मेरा एक्यूमुलेटर का है, मतलब जो डेटा मेरा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे मेमोरी में ले आएंगे एक्यूमुलेटर का डेटा, फिर उसके बाद हॉल्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है, अगर कोई हो तो चैट बॉक्स पे लिखना। नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कोशिश करूंगा एक बार। अगर ठीक है नहीं आ रहा तो मैं फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ, इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है अपने को, मेमोरी लोकेशन से डेटा हमको लाना है, यानी कि जो इनपुट है हमारा वो कहाँ से लाना है, किसी एक मेमोरी लोकेशन से लाना है। फिर क्या करना है, उस डेटा का हमें एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे बना ही देता हूँ मैं, एक इनपुट का कॉलम दे रहे हैं, ठीक है, और मेमोरी लोकेशन से इनपुट लाना है अपने को, ये ध्यान देना है। तो कोई भी मेमोरी लोकेशन मैंने मान लिया 2100 पे हम कोई डेटा मान लिया 3H इंटर कर दिए, ठीक है, और 2101 जो हमारा मेमोरी लोकेशन है उस पे 02H इंटर कर दिया। अब बात आती है कि ये डेटा हम इंटर कैसे करेंगे जब हम माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस यूज करेंगे। एक सिमुलेटर पे मैं वीडियो शाम को बना के डाल दूंगा, लेकिन अभी इस पे बता भी दे रहा हूँ थोड़ा सा क्या करना है मुझे। हम डायरेक्ट वहां पे जो अपना डिवाइस है उसमें प्रेस करेंगे एग्जामिन मेमोरी। एग्जामिन मेमोरी एक की रहेगी आपके सिमुलेटर एप्लीकेशन जो है मोबाइल में 8085 का, उसमें भी ये की मिलेगा। एग्जामिन मेमोरी पे जाएंगे और डायरेक्ट वहां पे हम अपना मेमोरी एड्रेस जो है, मेमोरी एड्रेस हमेशा 4 डिजिट का होता है, 16 बिट का होता है, ये ध्यान रखने वाली बात। यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना डेटा इंटर करेंगे, माना कि 3H हमने इंटर कर दिया, ये हमेशा 1 byte इंस्ट्रक्शन होता है और 2 डिजिट का होता है। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट की एक होगी, नेक्स्ट की को हम प्रेस करेंगे, नेक्स्ट की जब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस लोकेशन पे पहुंच जाएगा 2101 पे। जब 2101 लोकेशन पे पहुंचेगा फिर हम वहां पे क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे और वहां पे फिर 02H का डेटा इंटर कर देंगे। ये इतना काम अपने को पहले इनपुट देने के लिए करना है, क्योंकि इनपुट यहाँ हमें कहाँ से लाना है, किसी एक मेमोरी लोकेशन से लाना है, ठीक है। तो अब हम फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, ये इतना काम हमने डिवाइस पे कर लिया। अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना है हमें, यानी कि हम इस इनपुट को किसी भी मेमोरी लोकेशन से लाएंगे, किसी रजिस्टर में लाएंगे, एक्यूमुलेटर में लाएंगे, वहां से ऐड कराएंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक डेटा
लोड करने के लिए हम एलेक्स आई का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी लोकेशन से डेटा ला रहे हैं। तो एलेक्स आई मैंने किया, और एलेक्स आई एच यानी कि ये जो डेटा है ये एच एल पेयर से हम ला रहे हैं। एच एल पेयर क्या है, हम रजिस्टर को एज ए रजिस्टर पेयर यूज कर लेते हैं जब हमारा 16 बिट एड्रेस होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एच एल पेयर यूज कर रहे हैं। तो एलेक्स आई एच करेंगे, और किस लोकेशन से हम डेटा को इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो 2100 से हम इसको इनपुट दे रहे हैं, वहां से हम इसको लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है, क्योंकि सारे ऑपरेशन जो अपने परफॉर्म होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो सारे ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होते हैं, तो एक डेटा तो कम से कम अपने पास एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को मूव करा लेंगे, जो मेमोरी का डेटा है उसको कहाँ मूव कराएंगे, एक्यूमुलेटर में मूव कराएंगे। ठीक है, अब एक डेटा अपने पास एक्यूमुलेटर में आ गया, अपने पास दो रास्ते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, या तो हम ये जो ये डेटा है इसको ए में ले आए, दूसरा डेटा क्या करें हम बी में ले आए फिर ऐड करें, या फिर हम क्या करें डायरेक्ट ये वाला डेटा एक्यूमुलेटर में ले आए और डायरेक्ट हम मेमोरी से एडिशन कर दें। दोनों रास्ते हम यूज करेंगे, दोनों तरीके से हम करके दिखाएंगे। तो पहला हम जो करने जा रहे हैं वो हम किसी भी रजिस्टर में डेटा को लाएंगे कॉपी करके, और फिर वहां से हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला डेटा जो था वो मेरा आ गया, कॉपी हो गया, कहाँ कॉपी हो गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस मेमोरी लोकेशन को इंक्रीज करेंगे, इस मेमोरी लोकेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब जो मेरा उसका प्रोग्राम का काउंटर या बोले वो कहाँ पहुंच जाएगा, 2101 पे पहुंच जाएगा। तो 2101 पे कितना डेटा है मेरा, 02 है। अब वो डेटा यहाँ पे आ गया, लेकिन हमको इस डेटा को किसी एक रजिस्टर में लेना है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसको मूव करेंगे, किस में मूव करेंगे, हम मान रहे हैं कि रजिस्टर बी में मूव किया, तो बी में हम इसको मूव कर लिए। अब अपना जो टास्क था पहला दूसरा कि हमको इनपुट लाना है, वो टास्क हमने कर लिया कि किसी रजिस्टर में हम डेटा को लोड कर ले गए। अब जो हमारा नेक्स्ट पर एक्शन है वो ये है कि इनको ऐड करना है, ऐड हम हमारे पास एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, डायरेक्ट हम ऐड बी लगा दें। ऐड बी का मतलब क्या हो गया कि जो बी का कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाए। अब ऐड होने के बाद वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, ऐड होने के बाद वो डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर आप सिमुलेटर डिवाइस यूज कर रहे हैं तो वहां पे जब आप रजिस्टर में वैल्यू देख नहीं पाते, क्योंकि एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो रजिस्टर, ये क्या है रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर हमारा क्या है रजिस्टर है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए वहां पे रीसेट की प्रेस करेंगे, तो जितना भी डेटा इसमें आपने जो भी प्रोग्राम परफॉर्म किया था वो रजिस्टर में नहीं जा पाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डिवाइस में अगर हमें रिजल्ट देखना होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, जो हमारा एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, जैसे हमने यहाँ पे ए में दिया था 3 और बी में क्या दिया था 2 दिया था, तो जब एडिशन होगा ए प्लस बी का, तो जो डेटा मेरा स्टोर होके 5 आएगा वो कहाँ जाएगा, वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी मेमोरी पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, स्टोर एक्यूमुलेटर कंटेंट टू अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। अगर ये प्रोग्राम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ भी मान लीजिए मैंने इंस्ट्रक्शन 200 से स्टार्ट किया है 2000 से, तो ये जो हम स्टोर करेंगे डेटा ये एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे भेजेंगे, यानी कि मान लिया हमने 2500 पे भेज दिया। इसके बाद यहां तक तो हमारा काम हो गया, हमने क्या किया, डेटा को लोड कर लिया, इनपुट सारे अपने पास आ गए, एडिशन कर लिया, एडिशन करने के बाद हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर कंटेंट को किसी लोकेशन पे भेज लिया। अब प्रोग्राम को हॉल्ट कर देंगे, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ये हमारा प्रोग्राम हो गया कि हमने रजिस्टर में इनपुट को लाया और फिर वहां से इसको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराया। इसके अलावा जो इसका अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट मेथड क्या है इसका, सेम प्रोसेस हम करेंगे, ए वाला जो डेटा है मतलब मेरा जो पहला डेटा है मेमोरी लोकेशन का, उसको हमने एक्यूमुलेटर में ला दिया, यहां तक मतलब मेरा जो है ये सेम रहेगा, ये दोनों सेम। उसके बाद इंक्रीमेंट भी करेंगे हम, ताकि जो हमारा पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाए, और इस डेटा को उसने यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड एम लगाएंगे। ऐड एम का मतलब क्या हो गया कि इस इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, जैसे पहले हमने 2100 पे वहाँ पे एलेक्स आई लगाया है, मतलब वहाँ का डेटा ये ले रहा है, फिर जब इंक्रीमेंट किया तो ये एक एक इंक्रीमेंट करता है, 1-1 स्टेप जाता है। तो अब यहाँ पे उसने अपने डेटा को ले आया पॉइंटर को, तो जो यहाँ से हमारा अब डेटा होगा वो मेमोरी में होगा, तो अब ये क्या करेगा, इस मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर से ऐड कर देगा।
फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, हर एक डेटा हर एक ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में जाता है, तो ये डेटा मेरा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। फिर हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे एक्यूमुलेटर कंटेंट को किसी एक मेमोरी लोकेशन पे। इसका अल्टरनेट एक ये है कि हम क्या करें कि इसको जो है किसी एक मेमोरी लोकेशन, जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, जैसे 2100 पे मैंने ये डेटा दिया, 2101 पे मैंने ये डेटा दिया, तो हमको क्या चाहिए कि हम अपना रिजल्ट ये चाहते हैं कि 2102 पे मेरा रिजल्ट आ जाए, जो भी एडिशन का रिजल्ट हो। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक एड एम के बाद तुरंत क्या करेंगे, INXH लगाएंगे। INXH का मतलब क्या हुआ, जो पॉइंटर यहाँ तक आ चुका था वो 2102 पे आ गया। अब जब 2102 पे आया तो अब हमको वहां पे हमको देखना है, तो हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को फिर से क्या करेंगे, मेमोरी में मूव करा लेंगे। मतलब पहला हमने इनपुट दिया यहाँ पे INX करके दिया, दूसरा हमने इंक्रीमेंट किया तो यहाँ से 2101 से लिया, और तीसरा जब हमने फिर से इंक्रीमेंट किया तो अब यहाँ पे आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट का मतलब कि जो रिजल्ट है हमारा वो A, M पे आ जाए। फिर हम इस प्रोग्राम को डायरेक्ट हॉल्ट कर सकते हैं। मतलब कितने तरीके से हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, या तो हम रजिस्टर में वैल्यू ले लें, रजिस्टर में वैल्यू लेके फिर रजिस्टर से ही एडिशन करा दें और फिर एक्यूमुलेटर कंटेंट को हम यहाँ पे भेज दें, या फिर हम क्या करें मेमोरी में ले लें और फिर एक्यूमुलेटर कंटेंट को डायरेक्ट हम यहाँ से इस मेमोरी लोकेशन पे भेज दें, या फिर हम इंक्रीमेंट करके जो उसका नेक्स्ट लोकेशन है मेरा इनपुट का, इनपुट का नेक्स्ट लोकेशन का मतलब क्या, जैसे इनपुट मैंने 2100 पे दिया, 2101 पे दिया, तो जो इनपुट का नेक्स्ट लोकेशन आएगा उसके बाद 2102 आएगा, वहां पे हम आउटपुट देख लें। तो अब जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा मेरा, जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 2102 पे 5H पे इस वाले प्रोग्राम में। लेकिन जब इस वाले प्रोग्राम में हमको रिजल्ट देखना होगा तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट एग्जामिन मेमोरी प्रेस करेंगे, कि एग्जामिन मेमोरी में हम क्या करेंगे, एग्जामिन मेमोरी में डायरेक्ट अपना जो ये एड्रेस है ये लिखेंगे, कितना एड्रेस है ये 2500 है, इस एड्रेस को हम लिखेंगे और फिर यहाँ पे जब नेक्स्ट की हम प्रेस करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट की प्रेस करेंगे तो जो आपका रिजल्ट स्टोर हुआ है कहाँ पे स्टोर हुआ है, इस लोकेशन पे स्टोर हुआ है एक्यूमुलेटर का रिजल्ट, वो आपको शो हो जाएगा, यानी कि आपका एडिशन शो हो जाएगा।